वास्तु के अनुसार आपके बेडरूम का प्रवेश द्वार कैसा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो प्रवेश द्वार की बात समझ लेते हैं कि आपका कोई भी प्रवेश द्वार है, चाहे वह बेडरूम का है, चाहे वह आपके मकान की एंट्रेंस का है, वो ऐसे एक्ट करता है जैसे कि आपके शरीर में मुंह एक्ट करता है। यानी यहाँ पे जो भी एनर्जी जाएगी वो आपके शरीर में मुख के द्वारा ही जाएगी। आपके शरीर के अंदर रोग जाएगा तो मुख के द्वारा जाएगा, आपके शरीर के अंदर दवा जाएगी तो भी मुख के द्वारा जाएगी। दूसरी बात, बेडरूम्स वो एनर्जी हैं जहाँ पर हम अपने आप को विश्राम देते हैं और अपने जीवन का लगभग एक तिहाई से ज़्यादा हिस्सा व्यतीत करते हैं। सो ये वह हिस्सा है जिसको सबसे ज़्यादा संभाला जाना चाहिए। इसके प्रवेश द्वार के सामने किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी, जैसे टॉयलेट, जैसे रसोईघर, कूड़ेदान, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यह कवर्ड ज़रूर होना चाहिए और प्रवेश द्वार के ऊपर एक सेकंड द्वार, यानी कि जैसे कि आप पर्दे लगाते हैं, इस तरह की चीज़ें ज़रूर बननी चाहिए। बाहर से आने वाली किसी भी नेगेटिव इफ़ेक्ट को, छाया को, किसी भी प्रकार की प्रतिबिंब को रोकने की व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। इस मेन द्वार की सबसे इम्पॉर्टेंट खास बात यह है कि ये दूसरे द्वारों से बाधित ना हो, एंड के ऊपर ना हो, किसी खिड़की आदि के सामने ना हो, यानी कि मेन डोर से एनर्जी एंटर करे और पीछे खिड़कियों के माध्यम से निकल जाए। ये डोर इस प्रकार से हो कि ये किसी फर्नीचर आदि से, किसी नुकीली ऑब्जेक्ट्स वगैरह से, किसी कॉलम या बीम से बाधित ना हो। ये जितना क्लियर होगा, जितनी अटेंटिव और शुभ डायरेक्शंस के अंदर होगा, ईस्टर्न डायरेक्शंस की तरफ होगा या नॉर्थ की डायरेक्शंस की तरफ होगा या साउथ की डायरेक्शंस की तरफ होगा, तो आप देखेंगे कि ये उन्हीं एनर्जीज़ को आपकी लाइफ के अंदर बार 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 प्रवेश कर रहा है, आपको दिला रहा है और आप जी रहे हैं अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सुख, समृद्धि और शांति के साथ।